Assalamualaikum. I am Farooq Hassan, your English class teacher. I hope that you are fine and happy in your home. I am also fine. Today I will teach you about tenses. First of all, we will discuss times of tenses and kind of tenses. Now please give full attention at my lecture. Assalamualaikum. Main Farooq Hassan, aapka English ka class teacher. Main umeed karta hoon ki aap log khair o afiyat se honge aur apne gharon mein khush honge. मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ. मैं आपको टेंसेस के मुतालिक बताऊंगा. एज वी नो डेट देयर आर थ्री मेन टाइम्स टेंसेस. नंबर वन प्रेजेंट, नंबर टू पास्ट एंड नंबर थ्री फ्यूचर. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास तीन किस्म के ज़माने होते हैं. हाल, ज़माना हाल, ज़माना माजी और ज़माना मुस्तकबिल. हम अपनी ज़िंदगी तीन ज़मानों पर गुजारते हैं, यानी तीन टेंसेस पर गुजारते हैं. आज हम क्या कर रहे हैं, कल हमने क्या किया था और हम कल क्या करेंगे. इंसान की ज़िंदगी इन्हीं तीन चीज़ों पर, इन्हीं तीन टेंसेस पर, इन्हीं तीन ज़मानों पर मुश्तमिल है. सेकंड, इन तीन ज़मानों की भी चार चार किस्में होती हैं. देयर आर फोर टाइप of tenses. Number one, indefinite. Number two, continuous. Number three, perfect. And number four, perfect continuous. इन तीन जमानों की भी चार चार किस्में होती हैं. Number one, इंडेफिनेट के नाम से एक होती है. नंबर टू कंटिन्यूस के नाम से होती है. नंबर थ्री परफेक्ट के नाम से होती है. और नंबर फोर परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से होती है. अब ये प्रेजेंट, परफेक्ट, इंडेफिनेट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके बाद में हम एक एक करके इसको तफसील से डिस्कस करेंगे. मगर पहले लेक्चर में इसलिए मुख्तसर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएं और आपको पर बर्डन भी ना पड़े और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तौर पर हम अपने काम को कंप्लीट कर सकें. तो ये आपका होम टास्क ये है कि आप अपने घरों में बैठ के जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग आएँ तो इन मुख्तसर से जो मैंने आपको होम टास्क किया है इसे अच्छी तरीके से रीड करके आइएगा ताकि जब हम आगे पढ़ें तो आपको किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में बैठ के अदर एक्टिविटी की तरह इसके ऊपर भी कुछ तवज्जो देंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे ही स्कूल हमारे खुलेंगे या गवर्नमेंट जैसे कोई एक्शन लेती है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको डे बाय डे लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँ आप उसे घर में बैठ कर अच्छी तरीके से स्टडी करें, और जो मैं होम टास्क दूँ वो आप अपनी कॉपी के अंदर भी राइट डाउन करें और उसे घर में बैठ कर अपने जहन में बिठाएं. तो इंशाल्लाह ताला दी नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको इसके आगे समझाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा और इसे आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा. इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.